हेलो एंड वेलकम टू अभी पीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू आई एस आई एम योर करंट अफेयर्स मेंटर सुभाषीष सिंह रेहाल एंड आई एल बी कवरिंग द सेशंस फॉर करंट अफेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ अभिमन्यू आई एस आज के सेशन में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स करने वाले हैं और हम लोग सेकेंड वीक ऑफ जून उसके करंट अफेयर्स को कवर करेंगे तो यू you नो know, एक काफ़ी सारा बैगेज होता है सिविल सर्विसेज एक्सपेरेंट्स के लिए कि करंट अफेयर्स तो पढ़ना है पर उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है एक रेलेवेंस वाला एस्पेक्ट होता है जिसमें हम सब डाउन हो जाते हैं और अब तो इतनी सारी रिसोर्सेज आ रही है इंटरनेट है इतनी सारी वेबसाइट्स है तो ये जो सेशन है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन कॉम्प्रीहेंडिंग कि करंट अफेयर्स को कैसे स्टडी करना है और उसमें रेलिवेंट क्या है प्रिलिम्स और मेन्स के लिए तो वीक बाई वीक वी आर गोइंग टू कवर दिस हमारा क्लास होगा एवरी मंडे ट्वेल्व थर्टी टू वन थर्टी तो ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा सो स्टे ट्यून्ड नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है हम कवर करने वाले हैं हम एक घंटे में सारा हफ्ते का कवर करने वाले तो पहला जो टॉपिक है दैट इज दी बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट कंसर्न्स एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो आपका जीएस का टॉपिक है जी एस थ्री का टॉपिक है विच कंसर्नस एग्रीकल्चर एज वेल एज इकोनॉमी और टू थाउजेंड फिफ्टीन में द गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस द स्कीम नोन एज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो ये स्कीम इम्प्लीमेंट करी थी और अब हम कहाँ पे है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में तो छः साल हो गया उस स्कीम को तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है अबाउट असमेंट ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड सुटेबल सजेशंस तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है अच्छा अब वापस आते हैं बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस बीड बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर आप ये देख सकते हैं तो ये एक डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ड्रॉट प्रोन एरिया में है ड्रॉट प्रोन मींस वहाँ पे सूखा रहता है बारिश नहीं होती है कंसिस्टेंसी नहीं है तो इस वजह से बीड में क्या हो रहा था कि काफ़ी सारे क्लेम्स हो रहे थे इंश्योरेंस के एंड फार्मर्स फार्मर्स को भी नुकसान हो रहा था और जो कंपनीज जिनको वो अथॉरिटी मिलती है यू नो क्लेम जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स वो भी नुकसान में थे क्योंकि क्लेम्स ज़्यादा थे जितना वो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं प्रीमियम वो होता है जो फार्मर इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है फार्मर और गवर्नमेंट और इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी अल्टीमेटली इस क्लेम को वापस रिटर्न करती है जब कोई लॉस होता है कोई ड्रॉट होता है इन दैट केस If you're following, can you please uh, share a like so that I just get some information, some feedback about this thing? तो थोड़ा एक्टिविटी रहता है थोड़ा इंगेजमेंट रहता है तो so, ये सूखे सुक, की वजह से there was this problem, और जब सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने बोला यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने नए टेंडर्स रिलीज किए इंश्योरेंस के लिए तो कोई भी नहीं आया प्राइवेट सेक्टर में बोले कि भैया हमें यहाँ पे लॉस होता है हम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे तो इस इस कंसर्न के चलते जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है बीड डिस्ट्रिक्ट की उन्होंने एक चेंज किया इंश्योरेंस मॉडल में तो यही हम स्टडी करने वाले हैं और ये मॉडल सक्सेसफुल रहा इसीलिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि ये हम बाकी महाराष्ट्र पूरे स्टेट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसीलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है रेलिवेंट है और ये हमको कुछ पॉइंट्स भी देता है अबाउट इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फाइन तो इज इट क्लियर ओके नाउ कमिंग टू द इश्यूज और द कंसर्न्स विद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो पहला कंसर्न तो ये है कि फर्स्ट देर इज अ डिले इन क्लेम सेटलमेंट सेकेंड देर इज़ अ फेलियर टू रिकोगनाइज लोकल वेदर इवेंट्स कोई ड्रॉट हो गया तो मतलब हर फील्ड में जो भी है वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको नुकसान हुआ होगा तो ये सब चैलेंजेस रहे होंगे इसीलिए उन लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा इंश्योरेंस का एंड देन दिजेंट कंडीशन फॉर क्लेम्स वेयर वर अमंग द अदर कंसर्नस तो ये भी एक कंसर्न है यहाँ पर

तो हम यहाँ पे विद रेफरेंस टू तो महाराष्ट्र वी कैन स्टडी द क्लेम्स ये एक आपके पास एक डेटा है यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट ईयर में जब इम्प्लीमेंट हुआ था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट एंड फार्मर्स ने इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोक्सीमेटली चार हज़ार करोड़ दिया पर एंड में इनको मिला अप्रोक्स टू थाउजेंड रुपीज़ टू थाउजेंड करोरस तो लगभग फिफ्टी परसेंट तो फिफ्टी परसेंट तो प्रॉफिट कमा लिया उन्होंने पर अगर हम एंड में जा, जाके देखें 2019-20 हम देख रहे हैं कि क्लेम्स ज़्यादा है अप्रोक्सीमेटली 5000 थाउजेंड कंपनी के पास आया और उन्होंने क्लेम दिया 5500 फाइव तो ज़्यादा पैसे जा रहे हैं तो क्लेम्स आर मोर देन प्रीमियम तो ये कंसर्न थी यहाँ पे तो इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए एक स्कीम लेके आए बीड मॉडल महाराष्ट्र की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो उस डिस्ट्रिक्ट में काम करती है तो वो देखते हैं ये क्या कहते हैं तो न्यू गाइडलाइंस के ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए इंश्योरेंस कंपनीज़ को बोला गवर्नमेंट ने बोला इंश्योरेंस कंपनी को कि आप टेंशन मत लीजिए अगर आपका क्लेम अगर आपको फार्मर्स को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो हम उस पर लिमिट लगा देते हैं मतलब जो प्रीमियम इस क्लेम का जो रेशियो है आप आपने जो हगत मान लो सौ रुपये लिए तो ऐट बेस्ट आपको एक सौ दस रुपये वापस करने होंगे उससे ज़्यादा नहीं अगर उससे ज़्यादा का नुकसान हुआ फार्मर ने उससे ज़्यादा का क्लेम किया फिर गवर्नमेंट फार्मर्स को पैसे देगी डायरेक्टली तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब ये तो गवर्नमेंट एक फेवर कर रही है यहाँ पर तो गवर्नमेंट ने बोला इंश्योरेंस कंपनीज को कि अगर आपका प्रॉफिट हुआ अगर आपका प्रॉफिट हुआ मतलब आपका प्रीमियम आपने ज़्यादा कलेक्ट किया इन दैट केस आपको हमको वापस पैसे देने पड़ेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने बोला है कि अब हम ही कर रहे हैं सब कुछ अगर ज़्यादा हो रहा है तो फार्मर को जा रहा है मतलब हम ही पे कर रहे हैं प्रीमियम कम हो रहा है तो आप प्रॉफिट रख रहे हो तो इसमें इन्होंने बोला है कि आप आप इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कीजिए पर आपका कमीशन होगा सिर्फ ट्वेंटी परसेंट Over and above, आप हमको वापस पैसे करेंगे अगर आपने क्लेम नहीं दिया आप गवर्नमेंट को पैसे वापस करेंगे तो ये बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस है ठीक है और इसमें आप देख लीजिए इसमें आपको बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं देर इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बिकॉज जो क्लेम टू प्रीमियम रेशियो है वो कम हो गया है यहां पे जो प्रॉफिट जैसे आप देख रहे हो ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट कमाया है इंश्योरेंस कंपनी ने चार हज़ार लिए उन्होंने और दिए सिर्फ टू थाउजेंड करोर्स तो इस केस में उनको अप्रोक्सीमेटली टू थाउजेंड करोड़ वापस देने पड़ते गवर्नमेंट को तो ये एक इम्प्रूवमेंट है और ये इंश्योरेंस कंपनीज को इंसेंटिवाइज कर रहा है कि आप क्लेम ज़्यादा दो फार्मर्स को रिटर्न करो पैसे अगर नुकसान होता है सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस फिल्म में ऐसे भी आ सकता है इसके फीचर्स आ सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट चार ऑप्शंस आपको दे सकते हैं व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ बीट मॉडल और चार ऑप्शंस में आपको दे सकता है ऐसे भी हो सकता है इसका या एज अ सजेशन आप मेंशन कर सकते हैं मेंस के पेपर में जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक असेसमेंट आ सकता है राइट ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रीन गोल्ड कलेक्शन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल जिसको हम जी ई एम पोर्टल भी कहते हैं तो एक बार आते हैं हम लोग यहाँ पे अभी यहां पे आप देख रहे हो ग्रीन गोल्ड बोला है ठीक है हुआ क्या है कि नेशनल बैम्बू मिशन है एक नेशनल बैम्बू मिशन उसके हिसाब से गवर्नमेंट इज इंसेंटिवाइजिंग द बैम्बू फार्मर्स बैम्बू फार्मर्स एज वेल एज आर्टिस वो जो होता है ना बैम्बू से क्राफ्ट वर्क होता है जैसे आपका फर्नीचर हो गया बैग्स हो गए हैंड बैग्स हो गए वो सब तो वो कह रहे हैं कि बैम्बू से आप पैसे कमाओ बैम्बू के इंडस्ट्री को वो और प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो वो बैम्बू को बोल रहे हैं कि बैम्बू इज़ ग्रीन गोल्ड इंडिया के कंटेक्स में इट इज़ ग्रीन गोल्ड इट कैन बी अ वेल्थ इंक्रीज कर सकता है वो फार्मर्स की और उन्होंने क्या किया है कि नेशनल बैम्बू मिशन में कि बैम्बू के चीज़ों को मार्केट करने के लिए गवर्नमेंट भी तो खरीदती है चीज़ें तो उसको मार्केट करने के लिए वो लोग आर्टिस क्राफ्टमैन जो भी है वो अपना यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यहाँ पे जाके दे कैन सेल ठीक है तो दे कैन सेल एंड दे कैन मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इस नाउ लेट मी टेल यू दिस पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज अ पोर्टल वेयर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ पब्लिक जो पब्लिक की जो गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट होती है ना आजकल वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर होती है और इससे बेनिफिट क्या होगा इससे बेनिफिट होगा जो क्राफ्टमैनस और आर्टिसन्स है जिनको मार्केट नहीं मिलती जिनको मार्केट नहीं मिलती वो अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं बिना किसी मिडल के तो ये काफ़ी प्रोफिटेबल होगा यहाँ पर तो ये है उनके अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था कि ये आपका जो लॉन्च द बैम्बू मार्केट पेज ग्रीन गोल्ड कलेक्शन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस तो ये यूनियन मिनिस्टर जो है ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर उन्होंने ये डिक्लेरेशन करी थी तो हमें ये भी पता लग जाता है कि नेशनल बैम्बू मिशन किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है सो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ठीक है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जी सेवन कॉरपोरेट टैक्स डील ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर पहले आपको पता होना चाहिए कि जी सेवन है क्या तो एक आया था काफ़ी सारे इसके ऊपर कंटेंट भी है तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में आपको बता दूंगा विद द हेल्प ऑफ मैप्स हो भैया बट पहले जी सेवन क्या है अगर आपको पता है तो प्लीज़ राइट इट ऑन इन द कमेंट सेक्शन जी सेवेन इज़ बेसिकली द ग्रुप ऑफ सेवेन इट इज़ दी मोस्ट यू नो एडवास कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज उनका एक ग्रुप है सो इट बेसिकली इंक्लूड्स द कंट्रीज ऑफ कैनाडा यूनाइट स्टेट्स यूके फ्रांस जर्मनी इटली एंड जापान तो ये कंट्रीज़ जो डेवलप लॉक है उन्होंने एक उनकी मीटिंग हुई उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स की और उन्होंने एक जी सेवेन कॉरपोरेट टैक्स डील डिक्लेयर करी है अब अंडरस्टैंड करते हैं इशू क्या था जी जैसे आप समझते हो जी सेवन इज़ दी एडवांस कंट्रीज डेवलप कंट्रीज और अगर हम देखें कि ज़्यादातर एम है मल्टी नेशनल कंपनीज कॉरपोरेशंस जैसे कि गूगल हो गया एप्पल हो गया ज़्यादातर दे आर लोकेटेड इन द जी सेवन कंट्रीज वो वहाँ के बेस्ड है तो हम एग्जाम्पल से एक हम गूगल को कंसिडर कर लेते हैं ठीक है तो गूगल वी ऑल नो कि उसका ओरिजिन है आपका यहाँ से सिलिकॉन वैली यूनाइटेड स्टेट से है गूगल और उसकी मार्केट तो वर्ल्ड ओवर है अक्रॉस दी वर्ल्ड कोई भी एम की मार्केट तो वर्ल्ड ओवर ही होती है तभी हम उसको मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं तो अक्रॉस द वर्ल्ड ऑपरेट करते हैं तो मान लो गूगल है यूएस की कंपनी और इंडिया में मार्केट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को रशिया चाइना हर कंट्री में कर रही है पर जब टैक्स कलेक्शन की बात आती है अब इशू यहाँ पे ये यह आता है जब यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है कि भैया आप तो हमारी कंपनी हो कहते नहीं नहीं हम हम यहाँ नहीं है हमारा हेड क्वार्टर्स हमारा हेड क्वार्टर्स तो भई एक आइलैंड के अंदर है आइलैंड जैसे कि मॉरिशस हो गया पनामा हो गया आप ये ग्रीन डॉट्स देख रहे हो ऐसे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स में है हमारा उनको हम बोलते हैं टैक्स हेवस हम उनको बोलते हैं टैक्स हेवस बिकॉज यहाँ पे कॉरपोरेट टैक्स बहुत कम है जैसे हम लोगों का एस इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स होता है एक डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है वैसे ही कंपनीज का एक कॉरपोरेट टैक्स होता है और यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा हेड क्वार्टर्स तो भैया यहाँ पे है टैक्स सेवेंस या कॉरपोरेट टैक्स कम है तो देवे दे अवॉइड टैक्स दे अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स इन यू एस और जब इंडिया वाले बोलते हैं इंडिया या कोई भी कंट्री मार्केट कंट्री वो बोलते हैं कि भैया है हमें टैक्स दो आप हमारी कंट्री से अर्न कर रहे हो पैसे कहते नहीं आप नहीं लगा सकते हमारा तो टैक्स एक ही जगह लगेगा बात भी सही है आप मल्टीपल इनकम टैक्स थोड़ी लगता है किसी के तो वो बोलते हैं कि हमारा तो यहीं लगेगा हमारी सोर्स कंट्री में मिलेगा तो वो टैक्स अवॉइड कर जाते हैं तो मार्केट कंट्री को भी नहीं मिलता है मदर कंट्री या सोर्स कंट्री को भी नहीं मिलता है तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम इट इट यू नो इट जो सॉवरेन का राइट right है ऑफ टैक्सेशन वो खराब होता है यहाँ पर और सॉफ्टवेयर को चाहिए बिकॉज गवर्नमेंट को चाहिए टैक्सेस ताकि वो वेलफेयर पे स्पेंड कर सके तो ये प्रॉब्लमेटिक है और इंडिया के केस में देखो गूगल कितना मा सर्विसेज प्रोवाइड करता है और अल्टीमेटली वो पैसा बाहर जाता है तो एक एक राइट right तो होना चाहिए ऑफ टैक्सिंग तो ये नहीं मिल रहा है अल्टीमेटली उन्होंने कहा इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं गूगल टैक्स कैजुअली हम बोलते थे गूगल टैक्स जिसको हम ये भी कह सकते हैं डिजिटल सर्विस टैक्स कि अगर आप हमारा सर्विस कर रहे हो हमारी कंट्री में प्रोवाइड कर रहे हो आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो और आप बहुत बड़ी कंपनी हो तो आपको अपने प्रॉफिट पे टेन परसेंट देना पड़ेगा यहां तक क्लियर है क्लियर है तो जस्ट प्लीज गिव अ थम्स अप कुछ आइडिया लगता है या अंडरस्टूड यू कैन राइट ओके तो डिजिटल सर्विस टैक्स ये लग रहा था यहां पर तो अब इन्होंने क्या बोला है जी ने जी सेवन की जो मीट हुई वहाँ पे उन्होंने बोला कि पहली बात हम अपने मल्टीनेशनल कंपनीज को मल्टीनेशनल नेशनल को हम बोलेंगे आप टैक्स दो और हम इंश्योर करेंगे कि वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड ओवर एक मिनिमम टैक्स लग रहा है मिनिमम टैक्स विच विल बी एट लीस्ट 15 परसेंट तो 15 परसेंट का एक टैक्स लगेगा वर्ल्ड ओवर अभी क्या हो रहा था जैसे यहाँ पे बोल दो कि एक परसेंट है दो परसेंट है टैक्स तो कंपनीज प्रेफर टू मूव टू दिस कंट्री ऐसा हुआ एक्चुअली गूगल के केस में अभी रिसेंट न्यूज़ है 2017 की वेयर गूगल शिफ्टेड 23 बिलियन डॉलर्स टू तो टैक्स टू तो टैक्स हैव इन बर्मुडा तो बर्मुडा आपका कैरेबियंस में है वहाँ पर तो आप देख लो एक रिसेंट न्यूज़ है गूगल जैसी कंपनी भी ऐसा कर रही है तो उन्होंने कहा आपको मिनिमम टैक्स तो 15 परसेंट देना पड़ेगा अक्रॉस वर्ल्ड हम ऐसा बनाएंगे सिस्टम बनाएंगे और उन्होंने ये भी बोला कि मार्केट कंट्रीज मार्केट कंट्रीज मतलब जैसे गूगल जहां पे ऑपरेट कर रही है जैसे इंडिया में इंडिया से एडवर्टाइजमेंट्स के लिए पैसे ले रही है तो उनको भी राइट right मिलेगा ऑफ टैक्सिंग दीज कंपनीज बट एक कंडीशन लगाई कि आप ऐसे डायरेक्ट टैक्स तो लगा सकते हो पर आप ये डिजिटल सर्विस टैक्स या गूगल टैक्स ऐसी चीजें आपको फिर बंद करनी पड़ेगी तो ये है हमारा G7 सेवन कॉरपोरेट टैक्स डील ठीक है ये आपके पॉइंटर्स हैं यहाँ पे मैंने सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है टाइप कर रखी हुई है अ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 15 परसेंट टू अवॉइड कंट्रीज अंडर कटिंग एज अदर देन इट कमिट्स टू रीचिंग एन इक्विटेबल सोल्यूशन ऑन द एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स विद मार्केट कंट्रीज अवॉर्डेड टैक्सिंग राइट्स ऑन एटलीस्ट ट्वेंटी ऑफ प्रॉफिट एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कोऑर्डिनेशन बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ न्यू ट्रैक टैक्स इंटरनेशनल टैक्स रूल्स एंड द रिमूवल ऑफ ऑल डिजिटल सर्विस टैक्स मैंने अभी बताया था गूगल टैक्स इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया ऐसे टैक्सेस बंद करने पड़ेंगे अब इस कंटेक्स में आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई समथिंग पीपल हैव अ टेंडेंसी मैंने बहुत लोगों को देखा है वो बोलेंगे कि जी सेवन ने ऐसे कर दिया तो मतलब ये एक लॉ है यू you नो know, अब तो ये इम्प्लीमेंट हो गया ऐसा कुछ नहीं है जी सेवन ने बस एक प्रपोजल दिया है वो बोल रहे हैं हम ऐसा करेंगे इट इज़ नॉट कि लॉ बन गया है अब से मिनिमम टैक्स लगेगा ऐसा बाहर की बाहर एवरीवेयर इट विल फिफ्टीन परसेंट ऐसा कुछ नहीं है इट इज़ जस्ट अ प्रपोजल इट इज़ नॉट अ लॉ अभी जी सेवन अल्टीमेटली क्या करेगा जी सेवन तो बहुत छोटा सा है है ना जी सेवन तो सात कंट्रीज है पर उनको अगर सपोर्ट चाहिए तो उनको पूरे वर्ल्ड में बात करनी पड़ेगी तो इससे पहले जी सेवन जी ट्वेंटी में बात करेगा इस प्रपोजल को आगे लेके जाएगा तो ये न्यूज़ में और और आएगा और इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी जी सेवन कहाँ हुआ जी ट्वेंटी कहाँ हुआ फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीट की थी कहाँ थी उनका मोटो क्या था इस टाइम पे जी सेवन का है बिल्ड बैक बेटर तो ये ये टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं आपके प्रिलिम्स और मेन्स के लिए अच्छा अब सोचो इंडिया को क्या फ़ायदा होगा जी के साथ ये जो अभी टैक्स डील हुई है इंडिया को फ़ायदा होना चाहिए नुकसान होना चाहिए आप सोचो थोड़ा सा मार्केट कंट्रीज को राइट right मिल रहा है ऑफ टैक्सिंग सम अ कंपनी लाइक गूगल एक्सेट्रा तो इट इज़ प्रोफिटेबल एटलीस्ट वी थिंक इट इज़ प्रॉफिटेबल राइट नाउ क्योंकि मार्केट कंट्रीज को टैक्सिंग करने टैक्सीन लगाने का राइट right मिल रहा है यहाँ पे और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया का जो टैक्सेशन tax, सिस्टम है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है और हमारा टैक्स रेट भी काफ़ी हाई है है ना 25 से 30 परसेंट इतना है हमारा अभी प्रपोजल चल रहा है डायरेक्ट टैक्स कोड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पता नहीं कब तक होगा कोविड आ गया है प्रॉब्लम्स आ गई थोड़ी सी तो 25-30 परसेंट और ये लोग बोल रहे हैं एक परसेंट टैक्स हैवेंस वो तो टैक्स ही नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारी दूसरी कंट्रीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्स भी होते हैं इस वजह से तो अगर यहाँ पर सिर्फ इवनली फिफ्टीन हर कंट्री को टैक्स लगाना पड़ा तो इंडिया को इससे फ़ायदा होगा तो ये ही है हमारा G7 सेवन कॉरपोरेट टैक्स ये सारा एनालिसिस था हमारा इस टॉपिक के ऊपर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ कैसे इंपॉर्टेंट है इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि एल सेवेडोर एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री ने बोला है कि हम बिटकॉइन इंट्रोड्यूस करेंगे एज लीगल टेंडर उन्होंने ये बोला बिट एल सेविडोर करता रहे जो करना उसको पर हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है दैट एल सेविडोर वॉज इन न्यूज़ एल सेविडोर वॉज इन न्यूज़ और यू में वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि यू you नो know, आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ दिख रही है आपको तो बोलेंगे क्लॉक वाइज ऑरिएशन में बताओ अरेंज द फॉलोइंग इन क्लॉक वाइज ऑरिएटेशन और आपको चार कंट्रीज़ के नाम दे, दे देंगे जैसे वन बेलीज हो गया गोटेमाला गौत, हो गया एल सेविडोर हो गया ऐसे आपको ऑप्शन दे देंगे तो आपको इसको नॉर्थ साउथ ऑरिएटेशन या फिर आपको बोलेंगे क्लॉकवाइज वाइज जैसे भी आपको अरेंज करने के लिए दे देंगे तो ये टेस्ट करते हैं स्टूडेंट के एप्टीट्यूड को अभी इनके पास मैप तो दे नहीं सकते मैप पहले देते थे अब नहीं देते मैप तो अगर आप कुछ सीक्वेंस में अरेंज करने को दे दिया और ये ऐसे काफ़ी कंट्रीज है ना काफ़ी क्लोज क्लोज है थोड़ी कन्फ्यूजन होती है तो इसलिए हमेशा जब ऐसी कोई न्यूज़ होती है आपको एटलस खोल के देखना चाहिए कोई भी एटलस खोलो न्यूज़पेपर खोलते हो उसमें ऐसे चीज दिखती है उसको देखो उसके टाइम पे ऐसे याद करने का फ़ायदा नहीं है आप जैसे ही बार बार करोगे आपको ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएगा एग्जाम के अंदर बस थोड़ा ध्यान देना है हमें और दूसरी बात यह है एल सेवडोर ने किया है और वो इट इज इट इंट्रोड्यूस बिट कॉइन एज अ लीगल टेंडर मतलब बिटकॉइन विल बी अ करेंसी अब हम सोच सकते हैं ये एक पॉलिसी इशू है पॉलिसी इशू है मतलब हमारे में हमारी कंट्री में भी बातें हो रही है बिटकॉइन को ऐस ए करेंसी रिकोगनाइज करने के लिए इनफैक्ट 2000 इसी साल पार्लियामेंट में एक बिल भी इंट्रोड्यूस होना है ऑन रेगुलेशन ऑफ बिट आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर ने तो बोल दिया है कि बिट हम लोग अगर बिटकॉइन करेंगे तो वो गवर्नमेंट ही रिलीज करेगा तो प्राइस तो देखने वाली बातें है कि बिटकॉइन को एस ए लीगल टेंडर इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए प्रोज एंड कॉन्स ये एक इशू बन सकता है टॉपिक के लिए हमारे प्रिपरेशन के लिए तो आप अगर आप कर रहे हो तो आप एक अपनी कॉपी मेंटेन कर लीजिए जो जो बता रहा हूं ये आप मेंशन कर लीजिए वहां पे तो ये ऐसे आपको नहीं मिलेगा पर क्वेश्चन पेपर आपका ऐसे ही आएगा यूपीएससी ये गारंटीड है एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज यू कैन ऑलवेज यू नो मैंशन टू मी ऑन माई क्या बोलते हैं ये चैट्स जो चलती है हमारा उस पर यू कैन जस्ट मैंशन और यू हैव एनी क्वेरीज इफ़ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक यू कैन ऑलवेज गिव अ थम्स और यू कैन जस्ट मैंशन अंडरस्टुड तो पता रहता है थोड़ा सा ठीक है नेक्स्ट इज अबाउट द क्लाइमेट चेंज ये मेरे को लगता है प्रेम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा तो हुआ क्या है कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम्स दो कंट्रीज ने they have launched a new workstream to promote industrial energy efficiency under the industrial deep decarbonization initiative wo kehte na ruko zara ruko zara aajkal youtube pe bada chal raha hai तो ये समझते हैं क्या ये पहले हमारे लिए important का बस ये है इन्होंने workstream स्ट्रीम में क्या किया है हमारे कोई मतलब का नहीं है हमारे लिए मतलब का है कि सी क्या है एंड हमारे मतलब का है आई डी डी आई इनिशियटिव क्या है हमें यह होना चाहिए तो सी ई एम एस क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल इट इज़ पार्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस एंड इट केम इन टू एक्सिस्टेंस इन कोपिनगन इन टू थाउजेंड नाइन तो ये एक यू एन रिलेटेड एजेंसी है यू एन से कंसर्नड है इनफैक्ट इट इज कंसर्न विद यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ठीक है तो ये है आपका और नेक्स्ट आपका आता है इंडस्ट्रियल डीप डी कार्बोनाइजेशन इनिशियटिव तो आप वर्ड से ही मतलब निकाल सकते हैं डीप डी कार्बोनाइजेशन मतलब हमें कार्बन इकॉनमी से हटना है कार्बन इकॉनमी कार्बन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस इफेक्ट उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है हम हमें मूव करना है टू तो लो कार्बन मटेरियल्स हमें कार्बन पे डिपेंडेंस अपना कम करना है मे बी यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल्स और अपने प्रोसेस को रिफाइन करना है ताकि कार्बन पे डिपेंडेंस कम हो जाए सो सम ऑफ द थिंग्स असोसिएटेड विद आई डी डी आई इस्टैंडर्डाइज कार्बन असमेंट्स एस्टैब्लिश एम्बिशियस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोक्योरमेंट टारगेट्स इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट्स इन टू लो कार्बन प्रोडक्ट डेवलपमेंट कोई सब्सिडी दे दो कुछ दे दो एंड डिजाइन इंडस्ट्री गाइडलाइंस किसके लिए करना है टू मूव टू अ लो कार्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर ठीक है तो डी कार्बनाइज और रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन कार्बन कार्बन बेस्ड थिंग्स तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी भी होती है इट इज़ वॉय थर्मल पावर प्लांट्स इंडिया में 80% परसेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स तो अगर वो भी कम हो जाए तो सोचो कितना कार्बन डाइऑक्साइड पे इफेक्ट कम होगा मतलब कितना अच्छा होगा अगर क्लाइमेट uh, चेंज की फाइट के अगेंस्ट तो हमको ये चीज़ यहाँ पे स्टडी करनी थी बस सो इट्स बेसिकली इट्स एव एन लेट इनिशियटिव अगर आपको प्रॉब्लम की आप फोकस कर रहे हो And it is concerned with United Nations Framework Convention on Climate Climate Change. Next is World Energy Investment Report. These reports are very important for your prelims. Prelims actually prelims Which agency released the World Energy Report? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यू की कोई बॉडी का नाम ले लो ऐसे चार ऑप्शन में दे आपको दे देगा या आपको कोई ऐसी एजेंसी का नाम दे देगा जिसको कंसर्न विद एनर्जी जैसे कि बोल देगा ओपेक राइट right? तो ओपेक आपका है एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज उनका एक एसोसिएशन है उनका एक है तो ये आपका मतलब ये भी रिपोर्ट्स निकालती है आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछ सकता है सो इट इज रिलीज बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड वेयर इज इट लोकेटेड इट इज लोकेटेड इन पैरिस तो ये आपको पता होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे रिपोर्ट्स रेगुलरली एग्जाम में आते हैं प्रिलिम्स में आते हैं अच्छा मैंने कहा था मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है अभी हम लोग लो कार्बन इकोनमी पे जा रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर इनफैक्ट आता भी है क्लाइमेट चेंज वगैरह पे तो उसमें आप अगर आप मान लो कोई फैक्ट यूज़ करना है आप बोलो कि हमें क्लाइमेट चेंज पे काम करना चाहिए हमको रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना चाहिए उसका वैल्यू इतना नहीं है पर अगर आप कोई प्रोजेक्शन दो और बोलो वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ने ऐसे बोला है नाउ ऑटोमेटिकली दैट थिंग हैज़ मोर इम्पैक्ट ट तो इसीलिए कुछ कुछ फैक्ट्स हमें याद होने चाहिए एंड उसको हमें बार बार लिखना चाहिए ताकि हम अपने आंसर राइटिंग में इंकॉर्पोरेट कर सके तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है विच हैड एंड इफ यू वॉन्ट यू वॉन्ट डिटेल दिस थिंग यू कैन ऑलवेज डाउनलोडेड फ्रॉम आई यूट्यूब चैनल वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे होगा या yeah. तो ये इनकी रिकमेंडेशन है एंड आई थिंक वील जस्ट मूव टू द नेक्स्ट वन यू कैन जस्ट रीड दिस क्शन दैट इज इनवायरमेंट एंड एकजी वी हैव कवर्ड द इकोनॉमी सेक्शन और अब हम मूव कर रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तो ऑल द न्यूज इंपॉर्टेंट कंसर्न एंड रेलिवेंट टू दिस सेक्शन विल भी कवरिंग इट तो पहले तो ब्लू फिंड मसीर एक शेप एक फिश है बेसिकली आप ये फिश देख सकते हैं रिलेट, रिलेट करने में हेल्प करता है विद द यू नो फोटोज वगैरह हेल्प करती है तो ये इंडिया की फोटो उठाई है मैंने तो आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए तो चक्कर क्या था दैट दिस फिश वॉज वॉज लिस्टेड एज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज इट वॉज लिस्टेड एज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज बाय द आई यू सी एन आई यू सी एन एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है इट इज नथिंग टू डू विद यू एन

निकालते हैं रेड लिस्ट जिसमें वो क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट स्पीशीज इंडेंजर्ड स्पीशी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वालनरेबल है, है ऐसे क्लासिफाई करते हैं तो उस लिस्ट में जो सबसे लीस्ट कंसर्न का है उसको बोलते हैं लीस्ट कंसर्न कंसर्नसीटिस कि इनका इनको इनके लिए प्रिजर्वेशन करने की अब ज़रूरत नहीं है ये ठीक है तो लीस्ट कंसर्न कंसर्नसीट्स ठीक है तो ये न्यूज़ में था इसीलिए इंपॉर्टेंट है ब्लू फ्रेंड मसीर के आपके बारे पता होना चाहिए दिस फिश You should know about the IUCN and its status. You know in terms of how endangered it is, endangered hai extinct ho raha hai aise aapko pata hona chahiye so it is part of the it's it's the least concern. It is not an endangered species anymore, and that is why it was there in the news. तो थोड़ा सा मसीर के बारे में समझ लेते हैं। Now since we are talking about India, right? India की एक fish है, एक fish है। और ये फ्रेश वाटर फिश है रिवर्स लेक्स वहाँ मिलती है सो दिस फिश इज़ अगर हम इंडिया की बात करें तो मतलब जहाँ इंडिया जैसा क्लाइमेट है वहाँ पे भी ये फिशेस मिलनी चाहिए तो इट इज़ सीन इन वियतनाम इट इज़ सीन इन चाइना इन साउथ लाओस कम्बोडिया थाईलैंड, ये सब कंट्रीज़ में ये फिश देखने को मिलती है इसके जेनेरा इज़ टॉर टी ओ आर एंड दीज आर कॉमर्शियली वेरी इम्पोर्टेंट और ये एक फुश फूड फिश है मतलब समझ गए राइट right? खाने में यूज़ होती है इसकी हंटिंग होती है फिशिंग नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन अगर कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन ऑलवेज सी स् नॉट आउट इन टर्की ये एक चीज़ हुई थी यहाँ पे रिसेंटली टर्की में तो टर्की के मारमरा रीजन सी ऑफ मारमरा यहाँ पे नोटिस किया गया था सीस नॉट ये आप जो जोग्राफिकल देख सकते हैं तो पहले मैं बता देता हूँ फिर आपको बता दूंगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए कैसे है तो ये इसी सी स्नॉट जो है इसी की फोटो है ऊपर से कैसे दिख रहा है आप देख सकते हो सी का जो है ये ऐसे एक कुछ एल्गे टाइप ग्रो किया हुआ है और आप पानी के नीचे ऐसे है सी वाटर के नीचे सो दिस इज बेसिकली फाइटो प्लानस ये फाइटो प्लानस का है बेसिकली वो जो प्लांट बेस्ट मटीरियल होता है सेल्युलर थिंग तो वो ग्रो करता है और अगर आप ज़्यादा न्यूट्रियट्स पानी में चले जाते हैं सडनली ऑल ऑफ अडन देर आर मोर न्यूट्री तो फर्टिलाइजेशन टेक्स टेक्स प्लेस एंड देयर फॉर एज अ रिजल्ट देर इज मोर फाइट फाइटो प्लान ठीक है अगर पानी में एकदम से न्यूट्रियट्स चले गए आप

क्लियर और आप इमेज देख सकते हो तो आपको इट्स इट शुड हेल्प यू इन रिलेटिंग टू वॉट इज अ अज नॉट तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है लाइक सी इज़ नॉट आउट ब्रेक वॉट इज इट सी वॉट इज नीज नॉट वॉट यू अंडरस्टैंड वन टू थ्री फोर ऑप्शन में से आ सकता है मीन्स में नहीं आएगा एंड सेकेंड थिंग सिंस सी इज नॉट इज देयर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सी ऑफ मरमरा सो वी शुड नो अबाउट द कंसर्न जोग्राफी ऑफ दिस प्लेस तो हमको पूरा जोग्राफी का यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है विच इज़ यू नो यूरोप और एशिया को स्प्लिट कर रहा है सी ऑफ मारबरा यहाँ पे है ब्लैक सी यहाँ पे है, हमको आइडिया होना चाहिए तो कभी भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन न्यूज़ आता है आपको एटलस खोल के चेक रेफर करना चाहिए नाउ नेक्स्ट इज एक नेशनल पार्क ने दो नेशनल पार्क एक्चुअली डिक्लेयर किए अराउंड द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सो दिस वॉज डन बाई द अभी रिसेंटली आसाम में इलेक्शन हुए हैं तो देर इज अ न्यू चीफ मिनिस्टर सो ही हैज डिक्लेयर्ड टू नेशनल पार्कस सो वन इज़ द रमोना नेशनल पार्क एंड आफ्टर टू थ्री डेज ही लॉन्च द देहिंग नेशनल पार्क तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि नेशनल पार्क कैन बी यू नो इज डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट सेंटर कैन ऑल्सो डिक्लेयर नेशनल पार्क बट प्रोवाइड इट इज अंडर अशनल टेरेटरी मतलब नॉट अ स्टेट टेरेटरी यूनियन टेरेटरी या स्टेट ने राइट दे दी है तब सेंटर कैन ऑल्सो डिक्लेयर नेशनल पार्क तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिक्लेयर पर्टिकुलर टेरेटरी एज अल पार्क सो अल्टीमेटली इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिक्लेयर अ नेशनल पार्क बट इट इज बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन अच्छा दूसरी बात अबाउट नेशनल पार्क इज़ जो हमको पता होनी चाहिए नेशनल पार्क एंड रिवर वो नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है हमको एसोसिएटेड रिवर पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन यूपीएससी प्रीलिम्स तो हमको पता होना चाहिए अब आप शायद यू नो व्हेन यू आर राइटिंग योर प्रीलिम्स आपको शायद इतना आइडिया ना हो एकदम से क्वेश्चन आ गया दिहिंग पटकाई इज़ बेस्ड ऑन विच रिवर ऐसे आ गया या रोना नेशनल पार्क तो आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए ऐसे नहीं कि आपको लगे कि ये नॉर्थ ईस्ट की है और आपको रिवर्स के नाम दिए आपने ब्रह्मपुत्र टिक मार दिया वहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा आपको बहुत स्पेसिफिकली आपको आइडिया होना चाहिए बिकॉज दे वॉज अ क्वेश्चन आस्ड अबाउट मनास नेशनल पार्क एंड यू सी इट्स अ बिट अवे फ्रॉम मनास राइट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कर रही है तो थोड़ा दूर है यहाँ पर डिस्टेंस है सो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ब्रह्मपुत्रा मनास नेशनल पार्क इज बेस्ड ऑन द मनास रिवर तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए यहाँ पे एंड इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग रिवर और इसके बारे में तो आपका जो रायमोना नेशनल पार्क है दिस इज़ लोकेटेड वेरी क्लोज टू द भूटान बॉर्डर इनफैक्ट इट इज शेयरिंग टेरिटरीज ओवर हेयर और दिहिंग नेशनल पार्क इस आसाम के दूसरे कोने में है वहाँ पर है अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर पे अच्छा अब एक और एक चीज़ नेशनल पार्क के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है हमको नेशनल पार्क से एसोसिएटेड बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए मतलब कौन सी स्पीशीज़ फेमस है उसके बारे में अब ये न्यूज़ में है तो आ सकता है उसके ऊपर क्वेश्चन तो थोड़ा देख लेते हैं तो बहुत सारी स्पीशीज़ है राइट right? आप थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ है एंड सिंस इट इज़ अ ट्रॉपिकल रीजन और यहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है तो यू विल फाइंड टाइगर यू विल फाइंड लेपर्ड यू विल फाइंड राइनो ऑल्सो वैसे काजीरंगा और ंग इज फेमस यू विल फाइंड दी स्पीशीज ओवर दर एलिफेंट्स एंड ऑल वो तो चलता है हमको स्पेसिफिक पता होना चाहिए अभी ये देखो ये आपका गवर्नमेंट का ये एड है यहाँ पे ठीक है और गवर्नमेंट कैरी है गवर्नमेंट ऑफ असम इज इट सेल्फ सेट इट इज़ फेमस फॉर गोल्डन लंगूर विच इज़ द प्राइड ऑफ बोडोलैंड ठीक है तो वेर इज़ द गोल्डन फेमस गोल्डन लंगूर और प्राइड ऑफ बोडोलैंड लोकेटेड ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर और फिर राइट right साइड में मैंने विकीपीडिया पे इसको सर्च कर रहा था तो ये कि ग्रीन ट्रिंकेट स्नेक था आप कहाँ नॉर्मली ऐसे सुनोगे किसी चीज़ के बारे में यहाँ विकीपीडिया सीधा आगे लगा के बोल रहा है तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है अगर कोई एग्जाम क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो उसको दिख रहा है सामने सामने तो उस पर फ्रेम करने का प्रेफर करेगा इनफैक्ट आई हैव वर्कड अ लॉट इन प्रिपेयरिंग टेस्ट सीरीज इवेल्यूशन एसेट्रा तो मेरे को आइडिया है कि कैसे बनते हैं काफ़ी कुछ तो ये आपका ग्रीन ट्रिंकेट स्नेक है देहिंग पटकाई तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक है ये दो चीज़ें आपको स्पेसिफिकली पता होनी चाहिए बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी कौन सी स्पीशीज मिलती है वही सब सेम है एंशियंट एलिफेंट टाइगर क्लाउडेड लेपर्ड इंडियन गौर नाउ कंसर्निंग एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी एंड ऑल्सो पॉलिसी मेकिंग तो मेन्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है मेन्स में पॉलिसी हो तो पक्का पक्का इम्पोर्टेंट है तो इथेनॉल ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन टू वॉट ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल एज वेल एज डीजल तो सेंटर ने बोला है प्राइम मिनिस्टर हैज मेड एन अनाउंसमेंट ऑन दिस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डेट सेल्फ दैट द गवर्नमेंट विल इन्श्योर बाई नो बाई ट्वेंटी थर्टी सॉरी बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव कि जो पेट्रोल डीजल बिकता है उसमें ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस विल भी इथेनॉल तो अगर इथेनॉल का थोड़ा बहुत आइडिया हो इट इज़ कम्बस्टिबल सो इट कैन एक्ट एज अ फ्यूल और ये मिक्स भी हो जाता है अब सोचने वाली बात है कि यू you नो know, अगर आप मेन्स के बारे में सोचें कि ऐसे क्यों वाई इज़ द गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन इथेनॉल प्रिंटिंग वॉट इज़ इथेनॉल प्रिंटिंग वाई इज द गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन इट क्या फायदा होगा मिक्स करोगे तो आपका फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंस कम होगा आपका जो क्रूड खरीदते हो आप डॉलर टर्म्स में ख़रीदते हो तो करेंसी पे जो प्रेशर पड़ता है वो नहीं पड़ेगा है ना तो ऐसे आप इसको एक मेंस का एक क्वेश्चन बिल्डअप हो सकता है यहाँ पे तो ये था आपका इथेनॉल ब्रेंडिंग नेक्स्ट इज देर इज अ स्पेस मिशन दैट इज़ गोइंग टू द वीनस तो वीनस को स्टडी करने के लिए एक स्पेस प्रोग्राम है जिसको बोल रहे हैं एन विजन मिशन एन विजन मिशन वाह तो एन विजन मिशन आपका है यहाँ पे एंड नॉर्मली अगर आपका ऐसे क्वेश्चन आ गया है रिसेंटली रिलीज एन विजन मिशन इज़ लॉन्च बाय विच एजेंसी अब हमारा टेंडेंसी होगा इसरो या नासा चार ऑप्शंस में से बट इट इज़ रिलीज बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी विद दी हेल्प ऑफ नासा पर हम नासा को नहीं मानेंगे इट इज़ बाय ई एस सी ओनली यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इट इज़ लाइकली टू बी लॉन्च इन दर्थ ट्वेंटी थर्टी तो विजन को सॉरी वीनस को करेंगे और वीनस इज द ट्विन प्लानिट ऑफ अर्थ हम इसको ट्विन प्लानिट भी कहते हैं इट्स वेरी क्लोज आइडेंटिकल और वीनस का एक और एक लैंडमार्क चीज़ है कि वीनस इज़ वेरी हॉट बिकॉज ऑफ़ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमोसफेयर तो सुन है चार सौ डिग्री भी चला जाता है वीनस का टेम्परेचर चार सौ डिग्री हमसे चालीस नहीं हो रहा मेरे को पसीना आ रहा है तो वहाँ पर चाल चार सौ डिग्री सेल्सियस अच्छा अब एक और एक इवेंट है मैप बेस्ड इवेंट हम जोग्राफी में आ गए एक्चुअली एक और एक इवेंट हुआ है दैट इज अंटार्कटिका के अराउंड ना एक ओशनिक करेंट है एक ओशन करंट फ्लो करता रहता है उसको ऑन वर्ल्ड ओशंस डे एक नया ओशन डिक्लेयर कर दिया गया है सो नाउ देर इज़ वन मोर ओशन दैट इज अंटार्क्टिका सदर्न ओशन तो हम सदर्न ओशन इसको बोलेंगे सो दिस वॉज डन ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ओशंस डे विच लाइज ऑन जून एट, ठीक है जून एट को हुआ है और ये किसने किया है दिस इज डन बाय नेशनल ज्योग्राफिक कार्टोग्राफर्स सोसाइटी तो इन्होंने एक नया ओशन डिक्लेयर किया है और ये ही लोग करते हैं कि अटलांटिक ओशन कौन सा है पैसिफिक ओशन कौन सा है ये इन्वॉल्व है इन नॉम और अगर आपको कभी डाउट हो तो नेशनल जोग्राफिक कार्टोग्राफर्स कार्टो इट मीनस यू नो मैप्स तो पीपल हु मैप्स हुटेड विदिंग ऑफ द मैप्स ट इज़ अ कार्टोग्राफर तो इस एजेंसी ने किया है हमारा ठीक है आपको पता चल गया वर्ल्ड ओशंस डे इज ऑन जून एट इस एजेंसी ने किया है नेशनल जोग्राफिक कार्टोग्राफर सोसाइटी बस यही है हमारे पास यहाँ पे और अगर आपको एटलस से आप देख सकते हो तो ये आपको वेडल सी दिख रहा है और रॉस सी तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट लैंडमार्कस आपको पता लग रहे हैं इनो इन एसोसिएशन विद दिस रीजन तो ये भी आपको पता होना चाहिए आपको नेक्स्ट इज प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम एंड ऑक्सी वैन वैन नहीं है वन है ठीक है ये मेरे को भी बहुत लगा था बट इट इज एक्चुअली वन वन क्या होता है फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट दैट जनरेट ऑक्सीजन सो प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम तो ये ओल्ड एज के पेंशन के लिए नहीं है ठीक है पेंशन ओल्ड एज के लिए अटल पेंशन योजना है ये है प्राण वायु देवता कौन है प्राण वायु कौन है प्राण वायु देवता फॉरेस्ट सो व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अभी बता अगेन यू नो राइट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का स्कीम है सेंटर का स्कीम नहीं है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा तो इन्होंने एक स्कीम लेके आए हैं जिसके तहत द ट्रीज दैट आर ओल्डर देन सेवेंटी फाइव ईयर्स पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रीज कौन सा है तो ट्रीज़ डेट आर ओल्डर देन 75 फाइव ईयर्स उनको उनकी देख देख के लिए एक पेंशन अमाउंट दिया जाएगा सो दिस पेंशन अमाउंट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वुड बी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड वुड बी गिवेन पर ईयर तो ट्रीज़ के मेंटेनेंस के लिए सिंस दिस ट्रीज है सर्विस टू द मैन काइंड इनके मेंटेनेंस के लिए ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर ईयर दिया जाएगा सो जस्ट लाइक एन ओल्ड मैन एजेड मैन उसको पेंशन मिलती है वैसे ही ट्री को मिलेगा आपको सो इट्स एन इनिशिएटिव बेसिकली ऑफ एनकरेजिंग द और एनकरेजिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा तो एक तो ये है और सेकेंडली कह रहे हैं कि ऑक्सी वन ठीक है ऑक्सी वन प्रमोट होंगे मतलब नए जमीन पे स्पेशली अर्बन एरियाज जो है वहां पे फॉरेस्ट बिल्डअप होगा बिल्डअप होगा और मेंटेन होगा तो ये आपका ऑक्सी वन योजना या ऑक्सीजन फॉरेस्ट कह सकते हैं हम इसको सो दे आइडेंटिफाइड पीसेज ऑफ लैंड ऑन विच एज मेनी एज थ्री करोड़ ट्रीज वुड बी प्लांटेड एंड दीज वन ठीक है वन so है वन नहीं है वन विल हाउस डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज तो ये है अच्छा एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे कि जो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड दे रहे हैं ना यहाँ पे अबव सेवेंटी फाइव ईयर्स जो ट्री को हुए हैं वो पैसे बढ़ते रहेंगे पेंशन भी बढ़ती रहती है लोगों की तो अकॉर्डिंगली जैसे ये स्कीम है ओल्ड एज सम्मान पेंशन स्कीम में पेंशन बढ़ती रहती है अमाउंट वैसे ही ट्वेंटी फाइव हंड्रेड भी बढ़ता रहेगा इन्फ्लेशन होती है तो कॉस्ट भी तो बढ़ता है तो ऐसे करेंगे ये लोग तो ये आपके स्कीम के इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे आप देख सकते हैं बाकी पर ये प्रीलिम्स में ही आएगा ज़्यादा वैसे नहीं है नेक्स्ट इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस तो इस सेक्शन से रिलेटेड जो वीक में इंपॉर्टेंट हुआ है वो अभी हम कवर करेंगे अच्छा तो एक नई स्कीम है अगर हम, वैसे हमें कभी स्कीम पढ़नी हो ना तो हमेशा गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट देखो सब मिल जाता है उसमें तो गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान दिस इज अ स्कीम दैट इज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड पीरामल फाउंडेशन तो इन दोनों एजेंसीज नीति आयोग और इन इन्होंने एक स्कीम लेके आए हैं और किस लिए लेके आए हैं टू प्रोवाइड कोविड रिलेटेड कोविड नाइन्टीन रिलेटेड केयर तो जो लोग इन्फेक्ट हो गए हैं कोविड नाइन्टीन से और जिनके माइल्ड सिम्टम्स है माइल्ड सिम्टम्स है और दोज हु आर असिम्टोमेटिक तो उनको केयर होम केयर देने के लिए उनको होम केयर देने के लिए नीति आयोग हैज़ ब्रॉट अ स्कीम नोन एज सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान बड़ा पोएटिक सा लगता है नहीं राइम करता है तो ये एक स्कीम लेके आया है ठीक है तो समझ आएगा हॉस्पिटल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ये होम केयर के लिए है जिनको माइल्ड एंड असिम्टोमेटिक है और कोविड नाइन्टीन कंसर्निंग एंड दिस विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया पैन इंडिया स्कीम नहीं है कन्फ्यूज नहीं होना ये सिर्फ सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट होगा सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट विच आर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिनको हम एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं वहीं पर इम्प्लीमेंट होगा विचार वन वन टू इन नंबर एक सौ बारह ही है इंडिया में तो छः सौ लगभग छः सौ छः सौ प्लस डिस्ट्रिक्ट है तो बस वन वन टू डिस्ट्रिक्ट में ही इम्प्लीमेंट होगा अच्छा अब थोड़ा समझ लेते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है अब ये भी आ सकता है नहीं तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आप नाम से ही देख लीजिए अस, इस्पायरिंग यू नो जैसे इस्पायरिंग टू बिकम आई एस अपने आपको अप, अपलिफ्ट करना है वैसे एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी जो बैकवर्ड्स है सारी डिस्ट्रिक्ट ज़्यादातर बैकवर्ड ईयरस है तो पर कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड्स है स्पेषली दोज डिस्ट्रिक्ट विच वर अफेक्टेड और विच वर इन्फेस्टेड बाई नैक्सलिज्म तो ये मिलीटेंसी थी तो गवर्नेस ऑबियसली वीक थी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई डेवलप नहीं होने दिया नेशनलिज्म से थोड़ा हटे हैं तो वो कह रही है कि हम यहाँ पे फोकस्ड अप्रोच से डेवलपमेंट करेंगे ये भी नीति आयोग लेके आई थी सो दिस इज नोन एज एस्पिरेशनल एस्पिशनल डिस्ट्रिक्टेटिव ये एक स्कीम है इनफैक्ट इस पर क्वेश्चन भी आया है टू थाउजेंड में मेन्स आर एस्पिरेशनल एस्पिरीशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ही इसको काफी प्रेस मिला है फ्रॉम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम अब आपको इसका जगह भी पता होनी चाहिए तो आप इसको ये आपका असाइनमेंट है आप गूगल कीजिए और चेक कीजिए बाद में कि यू एन डी पी कहाँ पर बेस्ड है और यू एन डी पी कौन सी कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज़ करती है तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक है एच डी आई रिपोर्ट इन्हीं की है वैसे तो यही सब है यहाँ पर लिखा है मैंने आपको यहाँ बता दिया नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और इम्पॉर्टेंट भी लगता है हमारे मेन्स के लिए प्रिलियम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आए पर मेन्स के लिए ज़्यादा तो हुआ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क रिलीज़ किया है मैं बताता हूँ तो इन्होंने रिलीज़ किया है और इन्होंने बोला है कि सब विलेजेस में इम्प्लीमेंट होना चाहिए अच्छा तो पहले इसको समझने से पहले पहले मैं बता दूँ सिटीजन चार्टर्स होता क्या है फिर बताता हूँ क्या है आगे फ्रेमवर्क का इनफैक्ट सिटीजन चार्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ चुका है इन 2008 2016 एट तो एक क्वेश्चन एक्चुअली आ चुका है तो ये इम्पोर्टेंट है इट इज़ ऑल्सो लिस्टेड इन सेकेंड ए आप पूछते रहते हो ना कि डाउट है ए कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है आज बता रहा हूँ ये टॉपिक ए से ही है सिटीजन चार्टर सिर्फ ये वाला सेकेंड ए में एक चीज़ मैंशन है जिसको बोलते हैं सेवोत्तम मॉडल सेवा उत्तम ठीक है स्पेलिंग तो यही है इसकी सेवा एस ई वी उत्तम उत्तम मतलब अच्छा तो मॉडल तो उसका एक इंटीग्रल पार्ट है गुड गवर्नेंस का कि सिटीजन चार्टर रिलीज होना चाहिए अब सिटीजन चार्टर क्या है अब गवर्नमेंट है गवर्नमेंट का काम क्या है गवर्नमेंट का काम है अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस यही तो काम है सबका गवर्नमेंट का तो सिटीज़न चार्टर क्या कहता है सेवा तो मॉडल क्या कहता है कि हर गवर्नमेंट एजेंसी को हर गवर्नमेंट एजेंसी को बताना चाहिए कि उनका विजन उनका विजन और मिशन मतलब उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है उनको लिस्ट करना चाहिए कि हम ती, दस साल में क्या चाहते हैं हम पाँच साल में क्या चाहते हैं एक साल में क्या चाहते हैं उनको पब्लिकली लिस्ट करना चाहिए और किस कंटेक्स में हम लोगों की लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं ऐसे करना चाहते हैं अब एग्रीकल्चर का अलग होगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डी के ऑफिस का अलग होगा है ना हर एक का अलग अलग होगा तो विजन और मिशन स्टेटमेंट उनको पब्लिक करना चाहिए ताकि सिटीजन्स को पता रहे उनको यह भी पता आना चाहिए कि कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए कौन सी कौन सी सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं और लोगों को कैसे बेनिफिट मिलता है कैसे अवेल कर सकते हैं वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए इससे क्या होगा इससे सिटीज़न सवाल पूछेगा किसको पूछेगा गवर्नमेंट को पूछेगा आप बोल रहे हो कि हमारे ये राइट्स है हमारे ये प्रिवलिजेस है आप हमें ये सर्विस प्रोवाइड करोगे आप प्रोवाइड तो कर नहीं रहे तो एक अकाउंटेबिलिटी होती है इससे एक फीडबैक डेवलप होता है यू नो गवर्नमेंट से सिटीजन चार्टर गवर्नमेंट सिटीज़न चार्टर और इससे एक फीडबैक जनरेट होता है कि आपने ये बोला था और आपने दिया तो इतना ही हमें तो एक अकाउंटेबिलिटी बनती है ट्रांसपेरेंसी के साथ तो यही आपका सेवत्तम मॉडल है सो वन इज सिटीज़न चार्टर मैं लिख देता हूँ सिटीजन चार्टर देन इट इज़ फीडबैक सिटीजन फीडबैक और फीडबैक से कुछ पता चला तो कुछ करेक्टिव मेचर्स लेने हैं तो कैपेसिटी इन्हांसमेंट चलो एक एथिक्स जी एस फोर प्रॉबर्टी इन गवर्नेंस और एक जी एस टू का वैसे ही टॉपिक हो गया हमारा अच्छा ना चलो ठीक है तो अब आते हैं मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर क्या है तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक बेसिकली एक सेट ऑफ चीज़ें लिखती है विलेज लेवल के लिए अब विलेज में कैसी गवर्नेंस होती है हमको सबको पता है विलेज गवर्नेंस इज पंचायती गवर्नमेंट गवर्नेंस जो लोकल लेवल पे होती है तो वहाँ पे क्या होता है लोग होते हैं जो ऑल द पीपल एज ऑफ एटीन ईयर्स वो लॉज रूल्स वगैरह बनाते हैं ग्राम सभा होती है और ग्राम सभा का एग्जीक्यूटिव जो लोग डिसीजनस लेते हैं लोगों के बिहाफ पे उसको हम बोलते हैं पंचायत या जो एल्डर्स एल्डरली लोग होते हैं वहाँ पे पंचायत वो डिसीजन लेते हैं वो ग्राम सभा में इलेक्शन होती है और फिर पंचायत बैठती है तो पंचायत को क्या करना है अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेमवर्क पंचायत को एक चार्टर प्रिपेयर करना है वो इस फ्रेमवर्क की हेल्प ले सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लिखा है ग्राम सभा के साथ उसको डिस्कशन करनी है कंसल्टेशन करनी है और इसको फिर इंप्लीमेंट करना है ठीक है समझ आया पंचायत को एक सिटीजन चार्टर प्रिपेयर करना है इन कंसल्टेशन विद ग्राम सभा एनी बडी अब एटीन इयर्स इन विलेज इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा और फिर पंचायत को ये इंप्लीमेंट करना है तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू गुड गवर्नेंस तो ये था हमारा मॉडल पंचायत सिटीजन्स चार्टर इसकी हमें डिटेल्स नहीं पता है अनफॉर्चुनेटली बहुत रिसर्च किया इसकी क्रिटिकल डिटेल्स हमको नहीं मिले पीआईबी वगैरह चेक किया नहीं मिला तो आ जाएगा पब्लिक डोमेन में थोड़ी देर में अभी तक नहीं आया है तो बस ये न्यूज़ है कि फ्रेमवर्क रिलीज़ किया है नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक जो प्रवलम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है अच्छा तो आप ज़रा मैप पे फोकस कीजिए यहाँ पे ये असम का मैप है यहाँ पे और असम के एकदम एंड में एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बी एंगलोंग ठीक है कार्बी एंगलोंग जगह है और वहाँ पे एक हिल्स है जिसको बोलते हैं रेंगमा हिल्स ये रेंगमा दिख रहा है आपको तो रेंगमा हिल्स और अब ये देखिए आप ये असम के जो बाउंड्री है यहाँ पे ये नागालैंड के बहुत पास है तो ये इस हिल्स में ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि बॉर्डर से इधर उधर नहीं जाते लोग तो यहाँ पे एक लोग रहते हैं नागा पॉपुलेशन रहती है जिसको हम बोलते हैं रेंगमा नागास। तो रेंगमा हिल्स पे रहते हैं तो इसको बोलते हैं रेंगमा नागास। तो ऐस अब ये ट्राइबल लोग हैं ट्राइबल लोगों के कस्टम अलग होते हैं और नॉर्थ ईस्ट में तो मिलिटेंसी भी बहुत ज़्यादा है सेपरेटिज्म ज़्यादा है तो इसको चेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिक्स शेड्यूल है एक सिक्स शेड्यूल है जहाँ पे ट्राइबल लोगों के लिए ट्राइबल पापुलेशन के लिए स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट देर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ठीक है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, उसका एक प्रोविजन है वहाँ पे। यहाँ पे इन लोगों को ट्राइबल लोगों को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि सेंटर के जो रूल्स है जो पार्लियामेंट ने एकदम से लॉ बना दिया अब स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया वो तो पूरी टेरिटरी के लिए अप्लीकेबल होता है ना सबके लिए सिक्स शेड्यूल में ऐसा नहीं होता कुछ चेंजेस करते हैं कंसल्टेशन करते हैं फिर जाके कर इंप्लीमेंट होता है तो इन लोगों को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशल एग्जीक्यूटिव लेजिसटिव फील्ड्स में तो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिमांड कर रहे थे तो इन्होंने इनको बेसिक कंसर्न ये है कि नागालैंड के साथ इंडिया का एक डील होने वाला नागालैंड के साथ नहीं एक मिलिटेंट ग्रुप है एन एस सी एन इसाक महुआ आई एम एक मिलिटेंट ग्रुप है इनके साथ 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी डिक्लेयर्ड नागा अकॉर्ड अब नागा लोग डिमांड कर रहे हैं दिस मिलिटेंट ग्रुप दे आर डिमांडिंग सेपरेट नागा टेरिटरी नोन एज नागालैंड इट बेसिकली मीन्स नागा होमलैंड तो नागा की पूरी टेरिटरी अब नागालैंड तो आप देखो अरुणाचल प्रदेश में भी है आपका रेंगमा हिल्स में भी है अलग अलग स्टेट्स में है तो बॉर्डर शेयर करते हैं और म्यांमार में भी है तो सिर्फ इंडिया वाला पोर्शन ये डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे एक डील चल रही है अबाउट नागा अकॉर्ड तो ये इन लोगों को टेंशन हुआ कि भैया हमें नहीं पार्ट में रहना नागा अकॉर्ड के साथ हमें दूर हमें मतलब नहीं है हमें अलग ही रहना है तो ये इनका कंसर्न है और इसीलिए ये लोग एक स्पेशल स्टेटस डिमांड कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली एक्चुअली हो भी गया है ये अप्रूव हो गया है एंड दे हैव बीन गिवन टाइटल टेरिटोरियल काउंसिल के नाम से इनको स्टेटस मिला हुआ है विच इज अबव द स्टेटस दैट इज गिवन बाय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उससे भी ऊपर एक स्टेटस इनको मिला है जिसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल काउंसिल तो ये अप्रूव हो चुका है अच्छा थोड़ा सा हमें रेंगमा का भी पता होना चाहिए अब ये नागास रेंगमा नागास जो है इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए अब न्यूज़ में है तो ट्राइबल्स तो पूछ लेता है यू पी सो दिस इज़ बेस्ड इन नागालैंड असम एंड अरुणाचल प्रदेश ठीक है आप मैप में भी देख लीजिए बॉर्डर थोड़ा कंटेजियस सा ही है और इनका जो मेन फेस्टिवल है हम सबका एक मेन फेस्टिवल होता है नॉर्मली बैसाखी के साथ कनेक्ट कनेक्शन होता है राइट हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ तो इनका है एंड प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है बट नगाड़ा नहीं है in -gada, in -gada, ऐसे है इनगादा यस इट्स इन गादा यू नो हिंदी में अगर मैं लिख इनगादा नगाड़ा नहीं है इन गादा अब आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे तो ये सब तो हमारा यहाँ पे हो गया अब आई पे आते हैं तो आपको पता ही है मैंने कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बताया था जी सेवन की मीट हुई थी दैट वाज ऑफ़ द फॉरेन दैट वाज ऑफ़ द फाइनेंस मिनिस्टर्स अब जी सेवन समिट हुआ है दैट मींस द हेड ऑफ़ द स्टेट्स हेड हेड्स जो है जैसे प्रेसिडेंट बाइडन है ना यूके का प्राइम मिनिस्टर वो सब लोग थे इसके अंदर अब ये जी सेवन समििट इम्पॉर्टेंट इसलिए है एक तो वैसे ही हो रहा है लंडन में हो रहा है हमको पता होना चाहिए और हमको उसकी थीम पता होना चाहिए ऐसे इवेंट्स की नॉर्मली एक थीम होती है थीम कि हमारा क्या फोकस है अब कोविड नाइनटीन चल रहा है इकॉनमीज का है ना बैंड थोड़ा हालत ख़राब है इकॉनमीज की तो अब इन्होंने लेके आए हैं कि द थीम इज बिल्ड बैक बेटर ये एक्चुअली आपका जो डिज़ास्टर मैनेज डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो सेंडाई फ्रेमवर्क है वो भी 2015 में इम्प्लीमेंट हुआ था उसका भी लोग मोटो है बिल्ड बैक बेटर तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे तो जी सेवन समिट का मोटो है और यह थीम है तो ये पूछते हैं प्रिलम्स में आता है पक्का आता है आपको चार पांच दे देंगे आगे पीछे की थीम्स पिछले आगे पीछे साल की और बोल देंगे 2020 में जो हुआ था उसका क्या है 2021 में क्या हुआ था उसके चार ऑप्शन दे देंगे और आपको टेक करना है क्लोज होते हैं आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बिल्ड बैक बेटर कोविड नाइनटीन के कंटेक्स में है तो इसीलिए ये बोल रहा है तो आपको याद रहे अच्छा अब ये G7 सेवन इंपॉर्टेंट क्यों है अगर हम पॉलिसी मेकिंग की बात करें या इंटरनेशनल रिलेशन यू में इलेक्शन हुए थे और नया प्राइम प्रेजिडेंट आ गया बाइडन अब बाइडन और ट्रंप के व्यू पॉइंट बड़े अलग अलग है ट्रंप लाइक अमेरिका फर्स्ट है ना वो कहता था कि जी सेवन बाकी कंट्रीज अमेरिका को लूट रही है ये चीज अच्छी नहीं थी ये, उसका जो था थोड़ा सा शायद अच्छा था पता नहीं पर बाइडन कहता है कि वी आर गोइंग टू चेंज आर पॉलिसी देर इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज ही से अमेरिका इज बैक जब से आया तब से बोल रहे हैं अमेरिका इज बैक नाटो में गया बोल रहे हैं अमेरिका इज बैक पहले भी था पर यू बेसिकली गोइंग टू शो कि भैया मैं आ गया हूं आप सब ठीक हो जाएगा तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है जी सेवन समिट यहां पे अच्छा ट्रंप ने बोला था कि जी सेवन सिग्निफिकेंट नहीं है और जी सेवन को थोड़ा बड़ा करना चाहिए ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज इसको ग्रुप ऑफ इलेवन करना चाहिए और अच्छी कंट्रीज जैसे बड़ी कंट्रीज है जिनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वो भी होनी चाहिए तो इंडिया का चांस है इंडिया चाइना दीज कंट्रीज विच आर नॉट अ मेंबर दे विल गेट मेंबरशिप इन जी इलेवेन तो आई होप यू नो दैट इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ जी ट्वेंटी ऑलरेडी एंड पाकिस्तान इज नॉट ठीक है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए अब यूके में गए हैं बाइडन बाइडन इज इन यूके प्रेजिडेंट बाइडन और मिल रहे हैं बोयस को अब अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है आपको पता होगा कि यू और इंग्लैंड के थोड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो यू इंग्लैंड की ये कॉलोनी थी अमेरिका तो हमेशा से बड़े अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं इनके आफ्टर द स्प्लिट तो अब यहाँ पे आए हैं और इन्होंने एक द न्यू अटलांटिक चार्टर डिक्लेयर किया है किसने डिक्लेयर किया है प्रेसिडेंट बाइडन एंड बोरिस जॉनसन तो इट इज़ बेसिकली अ रोड मैप यूएस और यूके बोल रहे हैं कि ये हमारा विजन है वर्ल्ड के लिए कि हाँ हम देखते हैं वर्ल्ड को आगे फ्यूचर में और ये उन्होंने आठ पॉइंट लिस्ट कर दिया यहाँ पे स्ट्रेंथ इन इंटरनेशनल बॉडीज टू टैकल थ्रेट्स अपेरेंट रश इन एन अपेरेंट रिब्यूट टू रशिया यू एस एंड यू के डिक्लेयर नेशंस मस्ट है राइट टू सेल्फ गवर्नेंस टेक्नोलॉजी विल बी यूज टू इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड डिलीवर जॉब्स तो ऐसे करके अलग अलग फेयर्स में उन्होंने एक चार्टर डिक्लेयर किया है एक लिस्ट डिक्लेयर है कि ये हमारा विजन है हमारा ये एरिया ऑफ कॉपरेशन रहेगा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट नहीं है बस ये इवेंट हुआ है ये पता होना चाहिए ये यूके में हुआ है ये पता होना चाहिए और अगर आपको थोड़ा डाउट भी हो ना तो यूएस और यूके के बीच में कौन सा ओशन होता है अटलांटिक ठीक है तो ऐसे भी आप थोड़ा कर सकते हो तो थोड़ा पढ़ लेते हैं अटलांटिक चार्टर के बारे में जो ओरिजिनल आर्टिक अटलांटिक चार्टर था हम तो न्यू अटलांटिक चार्टर बोल रहे हैं पुराना आर्टिक अटलांटिक चार्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था इट वॉज डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो नासिजम और वो सब चल रहा था उस टाइम पे फासिज्म चल रहा था कम्युनिज्म का खतरा था तो और वर्ल्ड वॉर भी देखना है कैसे एंड होगा आगे हम क्या सोचते हैं तो अटलांटिक चार्टर वॉज साइन दैट टाइम बिटवीन विंस्टन चर्चिल विंस्टिन चर्चिल एंड यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तो इन दोनों के बीच में अटलांटिक चार्टर साइन हुआ था इन ऑगस्ट 1941 वर्ल्ड वॉर तो आपको पता होगा 1939 से 45 के बीच में था तो ऑगस्ट 1941 में साइन हुआ था यहाँ पे सो इट सेट आउट द कॉमन गोल्स फॉर द वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भाई हम कैसे देखते दुनिया को एंड इट वॉज सब्सिक्वेंटली इनकॉर्पोरेटेड यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया और ये बन गया डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इवेंचुअली एंड इट ऑल्सो इंस्पायर्ड सेवरल अदर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स दैट फॉलोड द एंड ऑफ द वॉर सच एज द डिस्मैंटलिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड फॉर्मेशन ऑफ नाटो अमंगस्ट अदर्स नाटो का हम नेक्स्ट वीक करेंगे अभी कुछ हुआ है तो हम अगले हफ्ते में कवर करेंगे इसको नाटो का डील अच्छा अब अब एक नया डेवलपमेंट हुआ है और हमारे बड़े इंटरेस्ट का है पॉलिसी मेकिंग ठीक है तो इंटरनेशनल रिलेशन से अब आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस जो है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली होती है इट इज़ समथिंग लाइक अ पार्लियामेंट वहाँ सारे कंट्री के लोग आते हैं ईयर टू ईयर हमारे फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर गिव्स एन एड्रेस हो गए तो इस साल जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का वो मालदीवस का फॉरन मिनिस्टर होगा मालदीव का फॉरन मिनिस्टर एंड वेर इज मालीव लोकेटेड ये प्रिलम्स में आ चुका है बाय द वे इट इज़ फॉलोइंग साउथ ऑफ़ एट डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हमको पता होना चाहिए पूछा हुआ है एट डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और दो तीन जगह के नाम दे दिए थे इट सेपरेट स्विच ऑफ द टू तो एट डिग्री नॉर्थ तो यहाँ पे मालदीव्स आते हैं छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पे तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ बिकॉज ये इंडियन ओशन रीजन में आ जाते हैं तो इंडियाज़ इंडियन ओशन आउटरीच इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का सार्क एंड बिमस्टेक वहाँ सब ये चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे चाइना ट्राइंग टू इंसर्कल इंडिया तो उस कंटेक्स में और ये जो मालदीव का जो अभी बना है प्रेजिडेंट ये यू का प्रेजिडेंट मीन्स ही इज़ प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर ओनली वन ईयर ही इज़ नॉट द हेड ऑफ़ द यूनाइट नेशन जनरल असेंबली द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज द सेक्रेटरी जनरल वो अभी रिसेंटली फिर से इल, इलेक्ट हुए हैं तो ही इज सर्विंग अ सेकेंड टर्म एंटोनियो गुटेस ठीक है ठीक से प्रोनाउंस करने में बड़ा गलत हो सकता है ये एंटोनियो एंटोनियो गुटरिस तो पोर्चुगल से है ये और इनको अभी रिसेंटली एक टर्म और मिला है फाइव ईयर टर्म तो ही इज़ द सेक्रेटरी जनरल इन्होंने इनकी जगह नहीं ली है मालदीव के फॉरन मिनिस्टर नहीं आपको पता होना चाहिए और ये प्रेजिडेंट का जो टेनियर होता है दैट इज वन ईयर एंड ही हैज़ बीन इलेक्टेड विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इंडिया ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम आप ही को हेल्प करेंगे तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है सो इट मे इन्फ्लुएंस इंडियाज रिलेशनशिप विद मालदीव जो अभी जो पुरानी वाली गवर्नमेंट थी ना मालदीव्स की अभी एक इलेक्शन हुआ था पुरानी वाली गवर्नमेंट उनके साथ बड़े ख़राब टाइम निकला है विद प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड मालदीव एडमिनिस्ट्रेशन तो अब वी आर लुकिंग एट अ चेंज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव रिलेशन और हमें कंसर्न है कि चाइना बहुत जा रहा है यहाँ पे तो so, हमें बहुत कंसर्न है दैट चाइना इज़ इन आर बैक यार्ड सो इन दिस कंटेक्सट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जी एस टू इंटरनेशनल रिलेशन्स अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक एडिटोरियल आया था हिंदू न्यूज़पेपर पे, वेयर इट दैट यू नो टू फाइट कोरोना वायरस हमको जीनोमिक सीक्वेंसिंग पे फोकस करना पड़ेगा तो ब्रीफ में बता देता हूँ इशू क्या है कोरोना वायरस आपको सबको पता होगा बहुत सारे म्यूटेंट्स चल रहे हैं न्यूज़ में आते रहते हैं अभी अल्फ़ा वेरिएंट है फिर डेल्टा वेरिएंट आया कहा कि, कि वैक्सीन के अगेंस्ट इफेक्टिव वैक्सीन को भी पार कर जाता है और अब आ रहा है डेल्टा प्लस तो यू you नो know, ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र केरला भोपाल में ऑलरेडी हो गया है चंडीगढ़ में सुना है कि डेल्टा वेरियंट सिक्सटी वन परसेंटेज डेल्टा वेरिएंट होंगे तो हमको पता होना चाहिए भाई कौन सा कोविड हमको हो रहा है लोगों को हो रहा है तो उससे और वो कैसे पता लगेगा अगर हम जिनोमिक सिक्वेंसिंग करेंगे हमको तभी पता होगा जब हम जिनोमिक सिक्वेंसिंग हम ब्लड टेस्ट करेंगे लोगों का फिर वो सैम्पल्स लेंगे जिनको कोविड हुआ है और उस उस सैंपल में जो वायरस का जो आर होता है उसको स्टडी करेंगे उससे हमको पता पता चलेगा कौन से कौन से वेरिएंट्स है तो ये आर की स्टडी इसमें डी तो होता नहीं है वायरस आर एन बेस्ड वायरस है तो आर की स्टडी से हमको पता लगेगा कौन सा वेरियंट है वेरिएंट से हमको पता चलेगा कि हमें कौन से वेरिएंट पे कंसर्व मतलब हमको फोकस करना चाहिए अब वेरिएंट्स तो बहुत सारे होंगे वायरस के पर कुछ वेरिएंट्स आर वेरिएंट ऑफ़ इंटरेस्ट आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा वेरिएंट ऑफ़ इंटरेस्ट ये मतलब कि इनकी इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है ज़्यादा इन्फेक्शियस है तो हमको इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ऐसे नहीं कि दुनिया भर के जो वेरियंट आए उसको फोकस नहीं 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 सिर्फ गिने चुने वेरिएंट्स पर हमें फोकस करना है और कोई वेरिएंट हो गई जो पिछले वेरिएंट से ज़्यादा इन्फेक्शियस है मान लो अल्फा वेरिएंट वाज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न फिर पता चला कि डेल्टा वेरिएंट है जो अल्फ़ा से भी ज़्यादा इन्फेक्शियस है तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाउ बिकम्स डेल्टा एंड नॉट अल्फ़ा अब डेल्टा प्लस आ गया है और अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये वेरिएंट के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडीज बेटर रहेगी कौन सी वैक्सीन बेटर रहेगी तो ये आइडिया के लिए हमको जिनोमिक सिक्वेंसिंग पे फोकस करना चाहिए सो इट इज हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफाइंग वेरियस वेरियंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरियंट ऑफ कंसर्न आइडेंटिफाइंग ड्रग्स वैक्सीन एज वेल एज पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट को पता ही नहीं है क्या करना है कौन सा वेरिएंट है कौन सी दवाई लगेगी तो क्या होगा फिर तो पॉलिसी मेकिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस कंटेक्स में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव भी लिए है बट एक्चुअल में बहुत कम हो रहा है जिसको बोलते हैं इंसाकॉक तो गवर्नमेंट की काफी सारी एजेंसीज है विच आर यू नो इंगेज इन दिस एक्टिविटी तो अबाउट टेन नेशनल लैबोरेटरीज तो इनका एक कोलैबोरेटिव उसको हम बोल रहे हैं इंसाकॉक तो ये एक इन्होंने डेवलप किया है अब ये टॉपिक आपका जीएस प्राइमरीली जीएस मेंस के लिए है हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन इज नॉट डीएनए बेस्ड आरएनए बेस्ड ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो प्रिल्म में हो सकते हैं बट मोस्टली इट इज़ अ जी एस मेन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई जिनॉमिक सिक्वेंसिंग और द सिग्निफिकेंस ऑफ जीनॉमिक सिक्वेंसिंग कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ जिनॉमिक सिक्वेंसिंग इन फाइटिंग द पैंडमिक ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है तो आपको बताना पड़ेगा लिखना पड़ेगा कि वॉट इज जिनॉमिक सिक्वेंसिंग उसके क्या प्रोसेस होता है और वो कैसे गवर्नमेंट को हेल्प करेगा लोगों को हेल्प करेगा या हेल्थ केयर सेक्टर को तो question, question, ये एनालिटिकल क्वेश्चन पॉलिसी टाइप क्वेश्चन ये मेंस के लिए बहुत अच्छे है सूटेबल है एक और एक चीज़ अब न्यूज में थी विच वॉज चाइम टेलीस्कोप एंड फास्ट रेडियोबर्स्ट थोड़ा ये फोटो में थोड़ा फोकस करो ये इसी का ही है ये टेलीस्कोप है ये आपका कैनाडा बेस्ड है ठीक है तो होता है ना लोगों को नासा के साथ सब कुछ रिलेट कर देते हैं स्पेस रिलेटेड ये कनाडा बेस्ड है कनाडा का ही है अब स्पेस में हमें अभी कम काफ़ी कुछ हमें नहीं पता है स्पेस के बारे में और एक इवेंट होता है स्पेस में विच इज़ नोन एज फास्ट रेडियो बर्स्ट आप रेडियो वेव देख रहे हो यहाँ पे रेडियो वेव आ रही है और एकदम से आप देख रहे हो एक पल्स निकल रहा है एकदम से पल्स आ रहा है एकदम हाई एनर्जी आ रही है अब स्पेस में क्या पता बहुत दूर कहीं पे ब्लैक होल का कुछ हुआ है कोई कोल्यूशन हुआ है कोई नया स्टार बन रहा है तो उससे कुछ रेडियो वेव्स आ रही है फास्ट रेडियो बर्स्ट आ रही है तो इसके स्टडी से हमको पता लग सकता है जो हम चीज़ें नहीं देख सकते हैं वो हम रेडियो वेव्स की हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं अब ये फास्ट रेडियो बर्स बहुत इंटरमिटेंट होते हैं और इनको स्टडी करने के लिए अब तक अब तक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी हम डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे थे तो इस कंटेक्स में टाइम टेलीस्कोप डेवलप्ड बाय कनाडा ये आपको लिखा भी हुआ है लास्ट स्टेशनरी रेडियो टेलीस्कोप इन ब्रिटिश कोलम्बिया दैट इज कैनडा कैनेडा तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ये फास्ट रेडियो बर्स के कंटेक्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कहते हैं कि सन की जो एनर्जी है जो तीन दिन में निकालता है उससे ज़्यादा तो फास्ट रेडियो बर्स निकाल देते हैं इन सम सेकेंड्स तो वी शुड नो अबाउट दिस हाउ इट विल बेसिकली हेल्प अस इन कॉम्प्रीहेंडिंग कि स्पेस में क्या क्या हो रहा है यूनिवर्स में क्या है क्या चीज़ है वो हमें ये हेल्प करेगा एक और एक टूल बन जाएगा हमारे लिए आपको प्रिलिम्स के लिए ये पता होना चाहिए कि ये नासा का नहीं है ये कनाडा का इनिशिएटिव है ना इंडियन गवर्नमेंट का या इसरो का कोई इसमें हाथ है यहाँ पर अच्छा अब एक नई डिजीज़ है अल्साइम डिजीज़ डिजीज, विच इज़ मतलब लोगों को वो यू नो लीड्स टू डी ऑफ ब्रेन ब्रेन को खा जाता है बेसिकलीसऑर्डर विध डिसऑर्डर विद ओल्ड एज एंड इट इज़ अ क्लास ऑफ डिजीज विच इज़ एसोसिएटेड विद डिमेंटिया तो डिमेंटिया के अंदर काफ़ी सारी बीमारियां हैं उसमें से एक अल्जाइमर्स है पाकिनसन से बहुत सारी बीमारियां तो अल्जाइमर्स को फाइट करने के लिए एक नया ड्रग रिलीज़ किया गया है एडियो एडियो का न्यू मैप तो एक नया ड्रग अप्रूव हुआ गया है बहुत महंगा है और uh, तो इन एक्सेबल नहीं होगा इस टाइम पे अभी वो सो so, एक नई एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग हैज़ कम इन टू पिक्चर तो अब थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये ड्रग किसके रिलेशन में है कौन सी डिजीज़ के उसके ऊपर ऑप्शन आ सकते हैं चार ऑप्शन और आपको पता होना चाहिए कि भैया ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है सो वी शुड नो वॉट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर मैन मेड प्रोटीन्स दैट एक्ट लाइक ह्यूमन एंटीबॉडीज़

तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का आपको थोड़ा पता होना चाहिए आइडिया होना चाहिए डिफाइन करने को नहीं आने वाला अब इस केस में अगर डिमेंटिया की बात करें तो अगर इंडिया के पॉपुलेशन देखो इन द कोर्स ऑफ टाइम वी विल हैव लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एल्डरली पॉपुलेशन एजेड पॉपुलेशन अब एजेड पॉपुलेशन होगी तो डिमेंटिया केसेस भी इंक्रीज होंगे है ना डिमेंटिया केसेस और इंडिया के केस में हमारी सोसाइटी में कोई ब्रेन से कुछ हो तो उसको अच्छा नहीं बोलते थोड़ा डेरोगेटरी सा समझते हैं तो काफ़ी लोग अब आते भी नहीं हैं इसके बारे में केयर लेने के लिए तो इस कंटेक्स में वी नीड टू हैव अ नेशनल डिमेंटिया पॉलिसी दिस इज द नीड ऑफ द आर तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस द नीड ऑफ़ द नेशनल डिमेंटिया पॉलिसी तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं

आई फैमलिया इट इज एन इनिशियटिव ऑफ इंटरपोल ये प्रिलिम्स है प्योर प्रिलम्स इंटरपोल का एक इनिशियेटिव है इंटरपोल इज देखो आप अगर ध्यान से नाम देखो इंटर इंटरनेशनल पुलिस ठीक है तो इंटरनेशनल पुलिस तो उन्होंने एक न्यू ग्लोबल डेटा बेस रिलीज किया है नेम्ड आई फैमिलिया क्यों टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन थ्रू फैमिली डी एन ए एंड हेल्प द पुलिस सोल्व कोल्ड केसेज इन मेम्बर कंट्रीज तो बड़ा सही है ना एक डेटा बेस कलेक्ट कर लेंगे उसमें डेटा होगा सारा डी एन ए वगैरह का तो उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे मिसिंग पर्सन को भी और केसेस भी सोल्व कर लेंगे तो ये इंटरपोल का इनिशिएटिव है ये आपको पता होना चाहिए प्रम्स के लिए अब इंटरपोल का थोड़ा सा देख लेते हैं इंटरपोल आपको ये तो पता लग गया कि इंटरनेशनल पुलिस राइट सो इट फैसिलिटेट्स वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल एंड दिस इज हेड क्वार्ट इन लिया ऑन फ्रांस एक ऑस्ट्रेलिया का स्पिनर स्पिनर भी है उसका भी नाम लायान है उसका तो लायान फ्रांस पता नहीं क्या प्रोनाशिएशन है सो इट हैज सर्वड इट हैज़ सेवन रीजनल ब्यूरोस मतलब सेवन रीजनल ऑफिसर्स एस के वर्ल्ड वाइड एंड द नैशनल सेंट्रल ब्यूरो इन ऑल वन नाइनटी फोर मेम्बर स्टेट हमको बस इतना पता होना चाहिए कि इंटरबोल इज़ इंटरनेशनल पुलिस फॉर वर्ल्ड वाइड पुलिस कॉपरेशन और इसका हेड क्वार्टर यहाँ पे है बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं ये पता होना चाहिए कि इट इज़ अन इज द पेरेंट एजेंसी सो इट इज़ रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है में ऐसे आ जाता है दैट इट इट इज इज़ यू एन एजेंसी इट इज़ अ प्राइवेट इनिशियेटिव एन इंटरनेशनल इनिशियेटिव मल्टी नेशनल इनिशियेटिव ऐसे चार ऑप्शन में पूछ लेता है तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए आई थिंक नाई वी शुड मूव टू द नेक्स्ट वन अच्छा एक चीज तो मेरे को याद आई अभी इंटरपोल के कंटेक्ट में आपने सुना होगा रेड कॉर्नर नोटिस रिलीज किया है फॉर नीरव मोदी है ना वो सुना होगा थोड़ा सा रेड कॉर्नर नोटिस तो गवर्नमेंट रेस द रिक्वेस्ट दैट दिस पर्सन हैज टू बी एक्सट्रेटेड बैक टू द कंट्री उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस रिलीज किया जाता है अब डिमेंटिया बोला था सीनियर यू नो एज एजेड पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाली है हमारी कंट्री में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड देख रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड कुछ ऐसे ही हुआ ना जैसे मान लो ये बेस लाइन है और जहाँ से बोलते हैं जीरो एज कम है लोगों की एज बढ़ती जा रही है अभी हमारी पॉपुलेशन रेट भी हाई है मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल और पॉपुलेशन मतलब बर्थ रेट अच्छा है हमारा और हमारा फैटिलिटी uh, रेट भी कम है तो जितने लोग बॉर्न हुए हैं ज़्यादातर उतने लोग एजिंग भी उतनी हो रही है अप्रोक्सीमेटली तो डिजीज एजेड लोगों की एजेड लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से वी नीड टू लुक एट अ पॉलिसी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन कि कैरियाट्रिक केयर में क्या मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने आपको पता होना चाहिए वॉट इज द स्टेटस ऑफ कैरियाट्रिक केयर इन द कंट्री अ नीड फॉर अ सूटेबल पॉलिसी इन दिस कंटेक्सट या कुछ रिफॉर्म्स तो ऐसा मेंस में क्वेश्चन आ सकता है और इस कंटेक्स में अब ये न्यूज़ एक रेलिवेंट चीज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है एक बेसिकली इनिशिएटिव है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इनिशिएटिव, सो दिस इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ठीक है तो एक कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों में कि मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ केयर का यस मतलब कन्फ्यूजन होती है ना कि सीनियर केयर एजिंग के बारे में बोत करें हेल्थ से रिलेटेड है तो दिस इज एसोशिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तो इन्होंने एक इनिशियेटिव लॉन्च किया है और एक सेज पोर्टल है सीनियर एजिंग ग्रोथ इनिशियटिव ग्रोथ इंजिन एक पोर्टल लॉन्च किया है विच विल प्रोवाइड विद एन एम टू प्रोवाइड वन स्टॉप एक्सेस फॉर एल्डरली केयर पोर्टल विल प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस डेवलप्ड बाय क्रेडिबल स्टार्टअप तो इस कंटेक्स में एक भाई साहब है यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस इज अव बिजनेस अपॉर्चुनिटी सीनियर सीनियर केयर एजिंग है दिस इज अ जहाँ पे काफ़ी सारे इनिशिएटिव हो सकते हैं वे पीपल कैन मेक मनी सो इट्स एज देर इज अ डिमांड स्पाइक फॉर सर्विसेज लाइक ग्रोसरी डिलीवरी होम कुक मील्स मेडिकल असिस्टेंस डॉक्टर कंसल्टेशंस नर्स एसेट्रा होम हेल्थ केयर बेसिकली तो स्टार्टअप्स हैं काफ़ी सारे फील्ड्स में ऐसे कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल सपोर्ट ही दे रहे हैं तो एजेड पॉपुलेशन के लिए एक डेडिकेटेड सपोर्ट तो एक नया सेक्टर बन सकता है ये एक नया सनराइज सेक्टर तो ये इन्होंने बोला है हु इज द सी ओ ऑफ कंपनी एसोसिएटेड विद एल्डरली केयर अनवाया ठीक है तो ये है अब मूविंग टू द नेक्स्ट वन ये अब न्यूज में था परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिलीज बाय विच एजेंसी फिर वो ही सेम पैटर्न है बेसिकली यूपीएससी का और इसमें अगर अगर मैं बात करूं अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं एक और एक क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में कि हम हमारी गवर्नमेंट ने फोकस किया है ऑन मेकिंग मोर एंड मोर स्कूल्स इंफ्रा पे फोकस किया है पर क्वालिटी एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न क्वालिटी एजुकेशन तो इस कंटेक्स में ये रिपोर्ट जो है या फिर ये जो इंडेक्स है ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है क्वालिटी एजुकेशन अच्छा तो ये एक इनिशिएटिव लेके आई है आपका नीति आयोग और इन्होंने ये बता ये यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे

अभी अभी कोरोना वायरस हो गया है तो कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोगों का मतलब मोबाइल बेस्ड हो गया इंटरनेट बेस्ड हो गया अब हर घर में तो आता नहीं इंटरनेट मोबाइल फ़ोन भी आपको स्मार्टफोन चाहिए तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन वेरी इम्पोर्टेंट पैरामीटर देन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ इक्विटी इक्विटी इन लर्निंग सबको सबका साथ सबका विकास सबको एक साथ ले चलना एंड देन गवर्नेंस प्रोसेस तो इन बेसिस पे स्टेट्स को रैंक किया है इंडिपेंडेंटली इनफैक्ट अगर हम बात करें स्टेट्स के बीच में कंपटीशन क्रिएट करें ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग सेंटर्स बाय नीति आयोग इट इज़ क्रिएटिंग अ कंपटीशन सो इट्स लाइक समथिंग वी कैन से इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म कि इट इज़ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कि स्टेट्स को पुश कर रहे हैं कि आप अच्छा करो दूसरे स्टेट से अच्छा करो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई हमारा स्टेट अच्छा करता है बाई द वे पंजाब इज ऑन द टॉप इन परफॉर्म परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स वी टॉक अबाउट दिस स्टेट्स तो टॉप फाइव स्टेट्स में पंजाब है देन चंडीगढ़ तमिलनाडु केरला एंड अंदनमान ठीक है वर्स इज बॉटम फाइव इज लद्दाख मेघालय नागालैंड नॉर्थ ईस्ट एंड थोड़ा जहाँ डेवलपमेंट थोड़ा कम है नाउ द लास्ट टॉपिक चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर एक नया रिपोर्ट आया बेसिकली Child Labor Global Estimates 2020, released by the International Labor Organization and UNICEF. तो so, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे. प्रीलिम्स के लिए इतना काफ़ी है और आपको थीम पता होना चाहिए ग्लोबल एस्टिमेट्स 2020, ट्रेंड्स एंड रोड फॉरवर्ड्स तो ये भी पता होना चाहिए अब 2020 लिखा है तो हेल्प ही हो जाएगा शायद पूछे ही ना फिर इसलिए यूपीएससी अच्छा तो रिपोर्ट वॉन्ट्स दैट प्रोग्रेस टू एंड चाइल्ड लेबर हैज़ बीन स्टॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अब ये कोविड हो गया है तो इट हैज बीन स्टॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ट्वेंटी ईयर्स इट हैज रिवर्स द प्रीवियस डाउनवर्ड ट्रेंड दैट सॉ इट फॉल बाय 94 फोर मिलियन बिटवीन टू थाउजेंड एंड टू थाउजेंड सिक्सटीन सो नंबर ऑफ पीपल चिल्ड्रेन इन चाइल्ड लेबर हैज इंक्रीज टू वन सिक्सटी मिलियन वर्ल्ड वाइड तो एक इंक्रीज़ हुआ है कुछ करेक्टिव मेजर्स चाहिए अब पैंडमिक का हर बार तो बहाना लगा नहीं सकते तो कुछ करेक्टिव मेजर्स चाहिए अब इस कंटेक्स में मैं बोलता हूँ कि इंडिया के कंटेक्स में वेरा वी इन रेफरेंस टू चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर इज़ एन इज समथिंग विच इज़ नॉट करेक्ट आप एडुकेशन वगैरह का एक यू you नो know, एक जो बाकी सब बच्च, नॉर्मल बच्चों को मिलेगा एजुकेशन और उसका सपोर्ट मिलेगा वो उनको नहीं मिल रहा है उनको स्कूल की जगह में उनको काम करना पड़ रहा है तो उनकी पर्सनैलिटी ग्रो नहीं कर रही है दे आर दे विल नॉट बी एबल टू मूव अहेड इन द सोशल स्टेटा तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे तो इस कंटेक्स में हमें ये स्टडी करना चाहिए चाइल्ड लेबर मेंस के लिए तो ये जनरल स्टडीज़ पेपर वन के लिए इम्पोर्टेंट है मेंस में तो वहाँ पे इंडियन सोसाइटी का एक अलग ही सेक्शन है उसमें आएगा और ये जी एस टू में भी आ सकता है एक चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एंड अबोलिशन के लिए एक एक्ट थी तो गवर्नमेंट क्या कर रही है चाइल्ड लेबर के लिए अगर ऐसा ओरिएंटेशन था क्वेश्चन का तो वो जीएस टू में आ जाएगा स्कीम्स एंड मेजर्स फॉर वालनरेबल सेक्शन ऑफ द कंट्री तो वालनरेबल सेक्शन के लिए अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है फिर जीएस टू नहीं तो जी एस वन अब सेंसस हमें तो वर्ल्ड से क्या लेना देना हमें तो कंट्री का देखना है तो चाइल्ड लेबर इन इंडिया सेंसस टू थाउजेंड इलेवन तो ये कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर फोर परसेंट ऑफ टोटल

2001 थाउजेंड 2011 एंड टू तो एक डिक्रीज आया है यहाँ पे मोर देर इज़ अ ग्रेटर डिक्लाइन इन रूरल दैन इन अर्बन एरिया रूरल एरिया में चाइल्ड लेबर कम हुआ है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि लोग रूरल इंडिया से अर्बन एरियाज जा रहे हैं और इंडिया अर्बनाइज हो रहा है इसीलिए चाइल्ड लेबर अर्बन इंडिया में जाता है ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग राइट अर्बन एरियाज में इंक्रीज हो रहा है तो ये था हमारा इस टॉपिक के ऊपर चाइल्ड लेबर के ऊपर हमारे कुछ की फैक्ट्स ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्पफुल रहेंगे प्रिलम्स में ऐसे तो ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए हेल्पफुल रहेगा लिवेबिलिटी इंडेक्स ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स दिस कंसर्न्स आपको प्रिलिम्स के लिए तो आप, आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए किस एजेंसी ने रिलीज किया है सो इट इज रिलीज बाय लंडन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट तो इतना काफ़ी है हमारे लिए अब क्या बोल रहा है इसके पॉइंट्स हमें मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा अच्छा मेंस आंसर राइटिंग में बोलूँ तो जनरल स्टडीज पेपर वन अर्बनाइजेशन सोसाइटी अर्बनाइजेशन वो जी एस का पार्ट है यहाँ पे ठीक है तो उसमें एक आंसर राइटिंग व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अर्बनाइजेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन इंडिया उसमें आप ये रिपोर्ट के फैक्ट्स को कोट कर सकते हो ओके okay. अब ये रिपोर्ट कहती है कि ऑकलैंड एंड न्यूजीलैंड हैज़ बीन नेम्ड द मोस्ट लिवेबल सिटी ग्लोबली एंड डेमास्कस इन सीरिया हैज बीन रेटेड एज द लीस्ट लिवेबल सिटी तो डेमास्कस तो आपको पता ही है सीरिया में क्या हो रहा है आईएसआईएस और वो सब का जो प्रॉब्लम हुआ है तो लीस्ट लिवेबल एंड ऑकलैंड इज द मोस्ट लिवेबल तो ये पैरामीटर्स है कुछ पैरामीटर्स थर्टी क्वालिटेटिव एंड क्वानिव फैक्टर्स अक्रॉस फाइव कैटेगरीज हमें ये मतलब किया स्टेबिलिटी हेल्थ केयर कल्चर एंड एनवायरमेंट एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईच फैक्टर इन सिटी इज रेटेड एज एक्सेप्टेबल टॉलरेबल एंड कंफर्टेबल एंड डिज़ायरेबल एंड एक चार्ट पे मतलब ऐसे लिख दो कि, uh, कितना खराब से कितना अच्छा तो so वैसे इन्होंने लिस्ट कर रखा है यहाँ पे सो दिस इज ऑल वी हैव इन टूडेज दिस वीक्स करेंट अफेयर्स एक्चुअली वीक से थोड़ा ज़्यादा ही था तो हम अगली क्लास करेंगे वीक की करंट अफेयर्स की ऑन मंडे मंडे को करेंगे एट ट्वेल्व थर्टी टू ट्वेल्व थर्टी से वन थर्टी हमारी क्लास रहेगी दिस विल बी अ रेगुलर अफेयर ठीक है तो ये आपका रहेगा सो प्लीज़ विल बी वेटिंग एंड बी स्टेट ट्यून्ड टू आर चैनल एंड थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू अभी पीडिया पावर्ड बाय अभी मन आई एस दिस इज़ मी शुभा रिहाल योर करंट अफेयर्स मेंटर बाय बाय टेक केयर